दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 हज़ार दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो हमारा अलॉटमेंट रिज़ल्ट आज आने वाला था आखिरकार वो कब तक आएगा तो बिल्कुल उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपके बीच में उपस्थित हैं और अगर देखा जाए अलॉटमेंट रिज़ल्ट के कमेंट तो आ ही रहे थे उसके बाद और भी आपके तमाम तरह के डाउट्स बन रहे थे जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कहा जा रहा है अलॉटमेंट रिज़ल्ट जारी कैसे चेक करें रिजल्ट बिल्कुल इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे आप लगातार मांग कर रहे हैं कि भैया काउंसलिंग की डेट क्या फिर से बढ़ेगी बिल्कुल इस चीज़ को हम स्पष्ट करेंगे आज आपके बीच में पाँच हज़ार का पेमेंट कैसे करें सफल बैच दो सौ बीस रुपये में अगर देखा जाए हम आपके बीच में सफल बैच के बारे में भी बताएंगे कि आपका जो सफल बैच है मात्र दो सौ बीस रुपये में उपलब्ध है कैसे प्राप्त करेंगे बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे नीचे यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन शुरू बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यू पी फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं उनके लगातार कॉमेंट आते हैं कि भैया आखिरकार हम एडमिशन को कैसे लें अच्छा नीचे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा तो इस पर हम स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे दोस्तों मैं हूँ संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो आप अलॉटमेंट रिज़ल्ट के संदर्भ में बात कर रहे हैं अच्छा यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप दिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे रखा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है अच्छा यहाँ ध्यान द्या, दीजिएगा आप अलॉटमेंट रिज़ल्ट के संदर्भ में कमेंट कर रहे हैं कि भैया आखिरकार कब तक आएगा मैंने आपको हर बार बताया है कि आपका जब रिज़ल्ट आता है तो लगभग पाँच बजे के बाद यानी शाम पाँच बजे के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होता है जैसे ही सुबह होती है आपके कॉल्स आने लगते हैं कि भैया जो रिज़ल्ट है हमारा कब घोषित होगा यार मैं आपको फाइनली बताऊँ तो पाँच बजे के बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा उसके पहले रिजल्ट आपका नहीं आएगा ठीक है इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कैसे चेक करेंगे अपना रिज़ल्ट उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप जो है डायरेक्टली अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं यहाँ काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आप लगातार कमेंट कर रहे हैं और हम आपके बीच में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए काउंसलिंग की डेट बढ़ने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है ठीक है भले ही आप लगातार कमेंट करें उससे मुझे मतलब नहीं है लेकिन स्पष्ट मैं आपसे बताऊं तो काउंसलिंग की डेट बढ़ने के बिल्कुल आ, बिल, न, जो है ना के बराबर चांसेस अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा यहाँ पाँच पेमेंट के संदर्भ में आप कॉमेंट कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बताया है कि अब आप पाँच का पेमेंट नहीं कर पाएंगे कल आपका डेट जो है समाप्त हो चुका था लेकिन फिर भी आपका जो पेमेंट है वो हो रहा था ठीक है आप कॉल कर रहे थे मैं आपके हर एक कॉल का रिप्लाई कर रहा था कि भैया आपके जो पेमेंट है वो हो रहे हैं जो है चॉइस फिलिंग भी हो रहा था सब कुछ प्रोसेस हो रहा था लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे थे वो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं ठीक है अब नहीं हो रहा है आज आपका फाइनली कॉलेज अलॉटमेंट रिज़ल्ट आएगा आज अपने रिज़ल्ट को आप ज़रूर देखिएगा जो लोग काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी आप इंतज़ार करिए डायरेक्ट एडमिशन का अभी इस पर हम चर्चा करते हैं आप सफल बैच को कैसे प्राप्त करेंगे सफल बैच की जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है सबसे पहले लिंक है मात्र दो शुल्क रखा है दो में मॉडल पेपर लाइव क्लासें प्रीवियस ईयर पेपर प्लस सारे सब्जेक्ट के नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं अगर आपको सफल बैच की ज़रूरत है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर आप विजिट करें आप तत्काल जो है सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है बिना आवेदन के एडमिशन ये संभव नहीं है जो कि आप लगातार पूछते हैं मैं आपसे बताना चाहूँगा आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन तो ले सकते हैं लेकिन मैंने आपको कंडीशंस बताया है अगर आपका रिज़ल्ट जो है आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आ गया है तो बिल्कुल आप जो है एडमिशन ले सकते हैं लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आया है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी एडमिशन ना लीजिएगा अन्यथा की स्थिति में आपका जो एडमिशन है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा ठीक है और यहाँ जो है डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा इसके संदर्भ में फ़िलहाल के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है सीटें ज़्यादातर खाली हैं है ना अब डायरेक्ट एडमिशन के बारे में अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कहा आपसे संघर्ष लगातार जारी है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाए वैसे पीएनपी का जो कहना है वो साफ़ तौर पर कहा है कि मैंने हर एक अभ्यर्थियों को मौका दिया है अब इसमें यानी डायरेक्ट एडमिशन में कहीं अलग से अभ्यर्थी नहीं आएंगे इसलिए चांसेस थोड़े से कम ज़रूर हैं लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा वैसे उम्मीद ये है कि लगभग सत्तर हज़ार सीटें बचेंगी इसलिए सीटें बचने के बाद जो है आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है वो प्रोसेस कराया जाएगा फ़िलहाल के लिए अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ या किसी कारणवश आपने एडमिशन नहीं करा पाया है या काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो बिल्कुल चैनल पर आप बने रहिएगा जब भी एडमिशन होगा तो चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ठीक है तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो समाप्त करते थैंक्स धन्यवाद